विजय शाह जी का। हेडिंग डाल लीजिएगा, टावर वाला था बाकी ना। हाँ तो हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग है आपका टावर। जल्दी करो भैया, कहाँ होता है टावर? टावर किसे कहते हैं? हाँ, हाई ट्रांसमिशन लाइन को ही ले जाने के लिए करते हैं इसका प्रयोग। जैसे आपका 33 KV तक बात करें, आपका अगर हम 33 KV तक बात करें तो 33 KV के ऊपर की जितनी लाइन होती है उसको ले जाने के लिए किसका यूज करते हैं? आपका टावर का यूज करते हैं। तो 33 KV के ऊपर की जितनी लाइन होती है उसको ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आपका तो टावर का प्रयोग करते हैं, 33 KV के ऊपर की। 33 KV से नीचे के लिए नहीं करते, 33 KV से जब भी करते हैं ऊपर के लिए प्रयोग करते हैं आपका। 33 KV के नीचे आपका टावर का प्रयोग नहीं किया जाता। और टावर दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है भैया? टावर दो प्रकार का होता है? नहीं, एक होता है नैरो बेस, एक होता है आपका नैरो बेस और एक होता है आपका ब्रॉड बेस। एक होता है ब्रॉड बेस। नैरो बेस में क्या होता है भाई? नैरो बेस टावर में क्या होता है? तो नैरो बेस टावर जो होगा इसका जो आधार होगा वो आधार जो होगा वो सकरा होगा, यानी पतला होगा आपका। ब्रॉड बेस में क्या होता है आपका कि यही जो आधार होता है यही आधार क्या होता है? बड़ा होता है ब्रॉड बेस में। ब्रॉड बेस में जो इसका आधार होता है वो क्या होता है आपका? बड़ा होता है। और नैरो बेस में इसका आधार क्या होता है आपका? बहुत ही पतला होता है। तो लिखिएगा पहले टावर में, यह इस्पात जालक खंभे का ही, यह इस्पात जालक खंभे का ही एक सुधरा हुआ रूप होता है। यह इस्पात जालक खंभे का ही सुधरा हुआ रूप होता है। ओके भाई, यह इस्पात जालक खंभे का ही एक सुधरा हुआ रूप होता है। इसकी संरचना चार टांगों वाली होती है। इसकी संरचना चार टांगों वाली होती है। इसकी संरचना चार टांगों वाली होती है और इसकी संरचना में जस्तीकृत इस्पात यानी इस्पात के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई गई हो। जस्तीकृत इस्पात का प्रयोग किया गया होता है। और यह नलिका खोखली होती है। हो गया, यह नलिका खोखली होती है। नीचे से लिखेगा, टावर दो प्रकार के होते हैं। टावर दो प्रकार के होते हैं। पहला नैरो बेस, दूसरा ब्रॉड बेस। पहला नैरो बेस टावर और दूसरा ब्रॉड बेस टावर। हो गया भाई, पहला लिख लीजिएगा, पहली हेडिंग डाल लीजिएगा नैरो बेस टावर।
ओके भाई, ए शांति बनाओ। नैरो बेस में क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, नैरो बेस टावर में जीवन का उसके बाद उसको मतलब किया क्या जाता है? किया क्या जाता है, खराब हो जाएगा तो फिर इसका यूज क्या करेंगे आप? अच्छा दिख रहा है आपको, ये दो टाइप का टावर आपको दिखाया गया है आपका, है ना, दो टाइप का टावर आप देख रहे हैं। इन दो टाइप के टावर में क्या आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या है, इसमें आपका सिंगल सर्किट की लाइन जा रही है, इसमें सिंगल सर्किट की लाइन जा रही है, और इसमें क्या है आपका डबल सर्किट की लाइन जा रही है। डबल सर्किट का मतलब आर वाई बी की लाइन इधर से जाएगी, आर वाई बी की लाइन इधर से जाएगी, और इस पे क्या है आर वाई बी की लाइन, तो ये डबल सर्किट की लाइन है, और ये क्या है सिंगल सर्किट की लाइन, कौन सा? ये आपका अर्थ के लिए ऊपर से है आपका, ये ऊपर से जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग के लिए ये एकदम ऊपर वाला जो पॉइंट है, यहां पर आपका क्या भाई लाइटनिंग के लिए वायर ले जाया जाता है आपका, कि अगर आकाशीय बिजली गिरे तो आकाशीय बिजली या तड़ित के प्रभाव से क्या करे, उसकी सुरक्षा कर सके आपका, तो वो सबसे ऊपर कंडक्टर होता है, वो सबसे ऊपर लगाया जाता है। फोर वायर नहीं जाता इसमें, ट्रांसमिशन सिस्टम में फोर वायर जाता ही नहीं है, वो अर्थ वायर जाता है आपका, ट्रांसमिशन सिस्टम में हम फोर वायर का प्रयोग ही नहीं करते आपका, थ्री थ्री फेस थ्री वायर सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं। अब इसी को कह रहा है कि अगर आपका इसका बेस क्या हो भाई, इसका बेस अगर आपका पतला हो, अगर ये बेस क्या है भाई पतला है, तो ये किस में चला जाएगा, नैरो बेस में, और अगर कह रहा है इसका बेस क्या हो जाए, चौड़ा हो जाए, तो वो किस में चला जाएगा टावर आपका, ब्रॉड बेस में चला जाएगा। तो लिखिएगा लिखिएगा, चढ़ने के लिए दिया होता है, इसमें लगा होता है चढ़ने के लिए अलग से, नहीं इसमें चढ़ने के लिए अलग से आप देखेंगे तो किनारे पर लगा होता है, नहीं, अंदर से भी होता है बाहर से भी, दिख रहा है आपको, ये है ना, ये चढ़ने के लिए आपका सीढ़ी नुमा बना हुआ है, देखिए दिख रहा है आपको, तो ये चढ़ने के लिए आपका बनाया गया है, इसके ऊपर ये चढ़ने के लिए क्या आपका है, इसके ऊपर बनाया गया है कि आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, टावर के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो लिखिएगा, लिखो भैया, पहली हेडिंग है नैरो बेस टावर, लिखिएगा, वह टावर जिसका आधार सकरा होता है, वह टावर जिसका आधार सकरा होता है उसे नैरो बेस टावर कहते हैं, जिसका आधार सकरा होता है उसे नैरो बेस टावर कहते हैं, उसे नैरो बेस टावर कहते हैं। नैरो बेस टावर में लिखेगा, लिखवा दिए, जिस वो टावर जिसका आधार क्या होता है, सकरा होता है। हाँ चलो नीचे से लिखेगा, अब इसकी हाइट की बात करेंगे, ये कितना आपका ऊंचा होता है, यानी इसकी लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लंबाई 15 मीटर, तो सही है, 15 से 30 मीटर होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितना होती है आपका, लंबाई 15 से 30 मीटर होती है, तो जो नैरो बेस टावर होता है, नैरो बेस टावर की जो आपका लंबाई होती है, वो लंबाई लिख लीजिएगा भैया, इसका लेंथ 15 से 30 मीटर, 15 से 30 मीटर, नैरो बेस टावर की लंबाई 15 से 30 मीटर। हो गया,
इसके बेस की माप क्या होगी? बेस इसका जब भी होगा, बेस के कितने टांगे होंगी भाई? चार टांगे होंगी। तो इसका जो बेस होगा वो बेस कितना होगा आपका, बोलो भैया? बेस तो वर्गाकार ही ना बनेगा जब चार टावर हो गए, सॉरी चार लेग हो गए तो। और वर्गाकार माप क्या होगी इसका, कितना होगा? नहीं, ये होता है आपका 2×2 मीटर स्क्वायर। ये यानी इसमें ये आपका लेग हो गया, दूसरा लेग ये हो गया, तीसरा लेग ये हो गया, चौथा लेग ये हो गया। तो इनके बीच की दूरी कितना है आपका? 2 मीटर। इनके बीच की दूरी कितना है आपका? 2 मीटर। ये क्या है? तो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर लिख लीजिए। अब इसमें बात आएगी कि दो टावर के बीच की दूरी क्या होगी। ये पहला टावर हो गया, ये हमारा दूसरा टावर हो गया। दोनों टावरों के बीच की दूरी या स्पैन की बात कर लेगा कि स्पैन कितना मीटर होगा। तो 200 से 500 मीटर होता है, 200 मीटर से 500 मीटर होता है। तो लिख लीजिएगा इसका तीसरा स्पैन। दो सौ मीटर से 500 मीटर हो गया। ठीक है, देखने में अच्छा लगता है ना, कभी भोर में 3 बजे जाते वक्त उसकी आवाज भी सुन लीजिएगा, 3 बजे आवाज भी सुन लीजिएगा। और कहीं बरसात के दिन में चले गए उसके नीचे से ना, और बिजली कड़क रही है ना, तो और हालत खराब हो जाएगी। चलो, तो ये क्या हो गया भैया आपका? स्पैन हो गया। इसका सेफ्टी फैक्टर कितना होता भाई? अरे नहीं, 5 होला है, जो जितना क्या कहते हैं मजबूत होगा उसका सेफ्टी फैक्टर उतना ही कम होगा, 1.5 होगा। सेफ्टी फैक्टर बराबर होता है आपका अंतिम प्रतिबल अपान कार्यकारी प्रतिबल। अंतिम भंजन प्रतिबल बटे क्या होता है आपका? कार्यकारी प्रतिबल। इसी से निकाला जाता है क्या आपका? इसी से निकाला जाता है आपका सेफ्टी फैक्टर का मान। अंतिम भंजन प्रतिबल का मतलब क्या हो गया आपका? यानी उसका कोई ना कोई निश्चित मान होगा, वो एक ऐसा लास्ट वैल्यू होगा जिस पर क्या करेगा वो आपका भंजित होगा, वो अंतिम मान होगा उसके। जैसे कोई अगर पोल है, उस पोल का कितना भाई है भंजन सामर्थ्य, कब वो भंजित हो जाएगा, कितना वो मैक्सिमम सहन कर सकता है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो उसका वो मैक्सिमम होगा। और कार्यकारी क्या होगा भैया? जिसको वो सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है आपका, वो कार्यकारी हो गया। जब उससे निकालेंगे भाग दे करके तो क्या आएगा आपका? उसके सेफ्टी फैक्टर का मान आएगा। और जब भी होगा अंतिम भंजक प्रतिबल ज्यादा होगा किससे? कार्यकारी प्रतिबल से, क्योंकि अंतिम भंजक प्रतिबल टूटने वाली स्थिति की बात कर दिया, और कार्यकारी का मतलब जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है आपका। हाँ भैया, तो लिखेगा सेफ्टी फैक्टर हो गया। अब क्या बचा? स्पैन का मतलब दो टावर के बीच की दूरी, हाँ लंबाई में, यानी ये इनके बीच की दूरी, इसकी बात कर, दो टावर के बीच की दूरी कितनी? भैया दो पोल हो गया तो एक टावर क्या है? टावर एक पोलर है, पोल का ही ना सुधरा हुआ रूप है, तो उन्हीं के बीच की दूरी की तो अभी भी बात की जा रही है। ये थोड़े हम ऐसा थोड़े कह रहे हैं कि ये टावर के अंदर के बीच की दूरी, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। जैसे इसमें क्या है आपका, इसमें हम ऐसा तो नहीं कह रहे कि ये आपका पोल का है लेग, तो इन लेगों के बीच की दूरी नहीं है। वो कहने का मतलब क्या है? इस टावर से इस टावर के बीच की दूरी की बात कर रहा है। कितना होगा भोबे करता है भैया? 200 मीटर से 500 मीटर तक होता है आपका। आगे लिखेगा लाइफ लिख लीजिएगा, जीवन काल, जीवन काल आपका 100 वर्ष से ऊपर। हो गया। अगला है आपका, ये तो नैरो बेस टावर के लिए था, अब क्या आएगा? ब्रॉड बेस टावर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा ब्रॉड बेस टावर।
चलो भैया ब्रॉड बेस टावर के लिए लिख लीजिए, बोलो भैया ब्रॉड बेस में पहला क्या कहेगा, कितना होगी टावर की लंबाई, बोलो भैया कितना होगा। 15 से 30 तो नैरो वाले का ही था, तो 15 से 40 ही होता है आपका। हाँ लिख लीजिएगा ब्रॉड बेस में 15 से 40। हाँ इसकी लेंथ कितनी होती है, लंबाई कौन सा, ये सॉरी स्पैन यार, लंबाई हम लिख रहे हैं, स्पैन कितना होता है, दो पोलों के बीच की दूरी कितना होगी, 300 मीटर से होती है आपका 1000 मीटर। हाँ भैया जिसका बेस मजबूत है वो उतने दूरी तक लेके जाएगा ना, आपका आधार उसका मजबूत है ना, और भैया झुकाव आपका जिसका बेस आपका कमजोर होता है उस पर अगर ज्यादा आप क्या करेंगे, ये क्या कहते हैं आपका तनाव देंगे, तो वो क्या कर सकता है, झुक सकता है आपका किसी एक दिशा में, लेकिन जिसका बेस मजबूत है अगर उस पर आप तनाव देंगे भी तो झुकेगा नहीं आपका। अगर बात करें आपका किसकी, ये तो बात हो गई कि इसके दूरी यानी दो टावरों के बीच की दूरी की बात हो गई। अगर आप पूछे कि अगर दो टावर हैं ब्रॉड बेस के, दो टावर हैं तो दो टावरों के बीच की दूरी होगी। अब आपसे पूछ दे कि अगर दो टावर हैं तो उनका क्या, बोलो भाई सेफ्टी फैक्टर तो वही होगा, सेफ्टी फैक्टर इसका भी 1.5 होगा, सेफ्टी फैक्टर इसका भी क्या होगा आपका 1.5 ही होगा। और क्या था आपका, इसका जीवन काल जो लाइफ है, ये लाइफ भी क्या होगी आपका, हाँ वही चीज पूछ रहे थे कि वो क्या बच रहा है, इसकी लाइफ क्या होगी आपका 100 वर्ष से ऊपर होगी। हाँ वर्गाकार की लंबाई, वर्गाकार की लंबाई होती है 5 × 5 मीटर स्क्वायर, ये होबे करता है 100 वर्ष से ऊपर, उसका भी बताए इसका भी 100 वर्ष से ऊपर है, ठीक ए लिख लीजिए 5 × 5 मीटर स्क्वायर होता है। कौन ये वाला, हाँ नैरो से मजबूत होता है ब्रॉड बेस, भैया जिसका आधार मजबूत हो गया उसका ऊपर का तो मजबूत रहेगा ही रहेगा। हमारे यहां जितना यूज होता है सिंगल टावर यूज होता है, और बाकी देश जो है कौन सा, तो लिख लीजिएगा जिसका आधार चौड़ा होता है उसे ब्रॉड बेस टावर कहते हैं, जिसका आधार चौड़ा होता है उसे ब्रॉड बेस टावर कहते हैं, जिसका आधार चौड़ा होता है उसे ब्रॉड बेस टावर कहते हैं। हो गया, जिसका ब्रॉड बेस चौड़ा होता है उसे ब्रॉड बेस, जिसका बेस चौड़ा होता है उसे ब्रॉड बेस टावर कहते हैं। और देख रहे हैं इसकी चौड़ाई कितनी है आपका 5 × 5 मीटर स्क्वायर है आपका, यानी एक आपका यहां पर होगा लेग, तो दूसरा लेग कहां होगा, यहां पर होगा, एक लेग यहां होगा तो दूसरा लेग कहां होगा, यहां होगा, यानी इनके बीच की दूरियां कितनी होंगी आपका 5 मीटर, ये इनके बीच की दूरियां कितनी होंगी आपका 5 मीटर, ये मैक्सिमम वोल्टेज तो आप ले जा सकते हैं 1200 kV भी जी, कहां 765 क्या, अब तो 1200 आने वाला है, अरे आ जाए ना, ये कह रहा है इसकी बात कर रहा है कि ये जो दो है ना, ये वाला दिख रहा है ना दो, तो इसकी बात कर रहा है कि ये दो लेग के बीच की, इसके दो लेग के बीच यानी इसके इसके बीच की दूरी कितना होगी, तो 5 मीटर। उसी तरह से ये वाला भी कह रहा है आपका कि इसके इसके बीच की दूरी कितना होगी, 5 मीटर होगी,
तो वो किसके अंतर्गत आएगा, ब्रॉड बेस के। और जिसके बीच की दूरी, अगर इसके इसके बीच की दूरी 2 मीटर है, इसके इसके बीच की दूरी 2 मीटर है, तो किसमें चला जाएगा आपका, नैरो बेस में चला जाएगा। कौन सा, इसको फाउंडेशन ही बोलते हैं। हाँ, मफ जो होता है आपका, मफ या मफिंग, इसके ऊपर जो ये लपेटा जाने वाला होता है भाग, उसको मफ या मफिंग बोलते हैं आपका। तो वो टावर के लिए नहीं यूज करते हैं, वो किसके लिए यूज करते हैं, पोल के लिए यूज करते हैं। पोल के लिए मफ या मफिंग का यूज होता है, टावर के लिए फाउंडेशन शब्द का यूज होता है। डेंजर प्लेट के ऊपर कहां, बड़ा करने दीजिए, तब ना पता। देखो ये कटीला वायर है, दिख रहा है, ये कटीला तार है, आप ध्यान से देखेंगे, बता रहे हैं इसको कहते हैं कटीले वायर को आपका बारबेड वायर। हाँ, इसको बोला जाता है बारबेड वायर, ये बारबेड वायर है आपका। और ये जो है ये चढ़ रोधक है, ये क्या है आपका, चढ़ रोधक। चढ़ रोधक का मतलब आपका कोई चढ़ने न पाए आपका, ठीक, चढ़ रोधक है, इसको बोला जाता है कोई चढ़ने न पाए इसके ऊपर आपका टावर के ऊपर, तो उसके लिए है जी। हाँ भाई, उसको तो वही बोलेंगे। और ये है आपका कटीला तार है, इसमें देखेंगे ना आपका, तो ये हल्का हल्का आपको कटीला जैसा दिखेगा, दिख रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है आपका, इसको बोला जाता है आपका बारबेड वायर या कटीला तार बोला जाता है, जो गांव में पशुओं को रोकने के लिए लगाया जाता है। ठीक, लगा था अपने यहाँ लगवाई ले हुआ, हाँ यही सब है इसका फीचर। और इसमें देख ही रहे हैं, ये जितना भी है ये सब इस्पात का बना हुआ है, इस्पात का, देख रहा है आपका पाइप है, जस्तीकृत किया गया है जंग संचारण से बचाने के लिए। हाँ, उसका पूरा लेप किया गया है आपका। कौन सा, नहीं लाइट नहीं लगा होता है, इसके ऊपर कोटिंग की जाती है आपका, कि जब प्रकाश इसके ऊपर पड़े, चमक पड़े, तो तुरंत ये क्या करे आपका, उभर करके आ जाए आपका। तो उसके लिए क्या कहते हैं, जैसे रेडियम वोडियम होता है ना आपका, कि रात में भी क्या होता है आपका, जैसे घड़ी में लगा होता है, रात में भी क्या होता है, देखेंगे घड़ी तो चमक रही है अंदर से, बताता है कि इतना है, तो रोड पे इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, तो वो कोटिंग की जाती है इसके ऊपर, वही आपका पेंट चढ़ाया जाता है, जिससे क्या हो सके आपका भाई, पता चल सके, चमक पड़ते ही तुरंत। चलो भैया, अब क्या है आपका, एक विशेषता भी लिखवाओ, कोई दोष भी लिखवाओ, कोई तो लिख लीजिएगा, टावर की विशेषताएं। हाँ, टावर की विशेषताएं, पहला पॉइंट लिखेगा, इसकी यांत्रिक सामर्थ्य अति उच्च होती है, इसकी यांत्रिक सामर्थ्य अति उच्च होती है, इसकी यांत्रिक सामर्थ्य अति उच्च होती है, हो गया, इसकी यांत्रिक सामर्थ्य अति उच्च होती है। दूसरा पॉइंट, अब इसका यांत्रिक सामर्थ्य अति उच्च होगा भाई, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज की लाइन ले जा सकते हैं, तो लिखिएगा यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होने की वजह से, यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होने की वजह से उच्च मान के वोल्टता की सप्लाई अति उच्च मान के वोल्टता की सप्लाई अति उच्च मान के वोल्टता की सप्लाई अति उच्च मान के वोल्टता की सप्लाई को ले जाया जा सकता है। ओके भाई, जितने भी आपके अब तक पढ़े थे स्तंभ के प्रकार, उन सभी स्तंभों में क्या है, इसमें आपका उच्च वोल्टेज की लाइन जाएगी टावर से, आप किसी पोल से नहीं ले जा सकते, चाहे वो आरसीसी का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे लकड़ी का हो, लेकिन इससे ले जा सकते हैं। अगला पॉइंट लिखेगा, इसके बीच की स्पैन जो है, क्या है? इसके जितना स्पैन किसी और का था नहीं, तो लिखिएगा टावर के बीच की दूरी, दो टावर के बीच की दूरी अन्य स्तंभों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है,
अन्य स्तंभों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। हो गया भाई? क्या इसके ऊपर वायुमंडलीय कुप्रभाव पड़ सकता है? बोलो भैया, क्या इसके ऊपर वायुमंडल का कुप्रभाव पड़ सकता है? अरे वायुमंडल कुप्रभाव का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आंधी आती है, तो आंधी आती है तो हमारे यहाँ क्या होता है, पोल झुक गया, पोल उखड़ गया। हाँ अच्छा, हम कहें कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं होता है, कहा जाता हुआ लिखा, इसके ऊपर वायुमंडलीय कुप्रभाव नहीं पड़ता है, इसके ऊपर वायुमंडलीय कुप्रभाव नहीं पड़ता है। चलो भैया, अरे लिखो जी आगे, पहले लिखो कहां तक हुआ था, इसके ऊपर वायुमंडलीय कुप्रभाव नहीं पड़ता है। अगला लिखेगा, अभी बात बताइएगा, ये जो आपका टावर है, टावर पे क्या आपका दीमक का प्रभाव लग सकता है? दीमक लग सकता है इस टावर में? आग लग सकता है इस टावर में? नहीं, लेकिन लकड़ी का खंभा होगा तो आग लग, दीमक लग जाएगा, आग लग जाएगा, है ना जी? संचारण हो सकता है, तो इसके लिए हम पेंट करते हैं ना, पूरा पेंट चढ़ाए होते हैं ना, क्या तब भी इसका जीवन काल क्या भैया सबसे अधिक है? तो लिखिएगा अगला पॉइंट, इसके ऊपर इसके ऊपर जंग संचारण का प्रभाव, जंग संचारण का प्रभाव बहुत ही निम्न होता है। अरे बहुत लंबे समय के बाद इसके ऊपर आता है, एक बहुत लंबे टाइम के बाद इसके ऊपर आता है। आगे लिखेगा, ए आगे लिखा कहीं नहीं, क्या लिखे हैं? ठीक, अगला लिखेगा उसी के आगे, इस पर आग का, इस पर आग का प्रभाव कार्य नहीं करता है, इस पर आग का प्रभाव कार्य नहीं करता है। आग दीमक लिख लीजिएगा, आग और दीमक का प्रभाव कार्य नहीं करता है। अगला पॉइंट, इसका जीवन काल, इसका जीवन काल अन्य की अपेक्षा क्या होता है भाई? अधिक होता है। इसका जीवन काल अन्य की अपेक्षा अधिक होता है। अच्छा, ये देखने में अच्छे लगेंगे कि नहीं भैया? बहुत अच्छा लगेगा। तो लिखेगा, ये देखने में अति सुंदर, पुष्ट में सुहावने लगते हैं। नहीं, रस नहीं पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे होता है ना, बहुत से लोग टावर, जब टावर के पास पहुंचते हैं तो मुड़ी निकाल के देखते हैं, अच्छा इतना ऊंचा है, हाँ उसको चार बार निहारते हैं, होता है ना तो जी? अरे भाई होता है ना, उसको क्या करते हैं, चार बार निहारते हैं, उसके साथ फोटो खिंचाने लगते हैं, तो क्या है ना, सही कह रहे कि नहीं? तो सुहावना लग रहा है ना, तभी ना उसको चार बार देख रहे हैं, चार बार ऊपर से नीचे तक निहार रहे हैं। कुरूप रहता तो एक बार पे दूसरी बार नजर ही हट जाती है, कौन देखेगा? जैसे तारों के शहर वाला देखते हैं ना फोटो, ऊ का है, अगर उसके नीचे से जाएंगे तो डर लगेगा, लेकिन फोटो का स्टेटस लगाने में बड़ा बढ़िया लगता है,
तारों के शहर में आ गए, इलेक्ट्रिकल वाले हैं। स्टेटस लगाने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसके नीचे जाना हो ना तो भैया नहीं, कोई देख ले वैसे तार लटका हुआ उसके नीचे से उसको भेज दिया जाए सच्चाई बता के, वो कभी नहीं जाएगा। हाँ, डिस्टॉर्शन का प्रभाव आता है, कम्युनिकेशन सिग्नल डिस्ट्रॉय होती है। चलो भैया, जैसे क्या होता है कि जो टावर ओवर होते हैं तो टावर में आपका दो तरह की लाइन जाती है, एक कम्युनिकेशन लाइन भी भेजी जाती है और एक आपका जो मेन सप्लाई होती है वो भेजी जाती है। तरवा वही है, कंडक्टर वही है, उस कंडक्टर से दो चीज जा रहा है, कम्युनिकेशन लाइन का भी सिग्नल जा रहा है आपका और जो पावर सप्लाई है उसका भी सप्लाई का सिग्नल जा रहा है, दोनों एक साथ जा रहे हैं, पावर सप्लाई भी जा रही है, टेलीकम्युनिकेशन का सिग्नल भी जा रहा है, दोनों एक साथ ट्रांसफर हो रहा है आपका। और जब टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल जाएगा तो भैया उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जो भी कम्युनिकेशन सिग्नल होता है तो कम्युनिकेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा रखी जाती है आपका। और जब कम्युनिकेशन सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाएगा तो जाहिर सी बात है भैया कि जब उसके नीचे आप खड़े होकर के बात करेंगे टावर के नीचे आपका, तो जो आपका आपके लिए आ रहा है सिग्नल और जो उस टावर के अंदर से जा रहा है सिग्नल, वो एक दूसरे को तो प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और उसी समय सिग्नल क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, इसीलिए डिस्टॉर्शन आता है। अगला हेडिंग डाला, अगला हेडिंग, हाँ बार बार कहा चला जाता ले ले ली, हेडिंग डाल लीजिए भैया, सेफ्टी फैक्टर। हेडिंग है सेफ्टी फैक्टर जी, अरे लिखवा दे रहे हैं, जानते रहिएगा, लिखेगा अंतिम भंजक प्रतिबल, अंतिम भंजक प्रतिबल, अंतिम भंजक प्रतिबल और सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को, और सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को, सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को, प्रतिबल के अनुपात को के अनुपात को अंतिम भंजक प्रतिबल कहते हैं, सॉरी को सेफ्टी फैक्टर कहते हैं, को सेफ्टी फैक्टर कहते हैं, इसका मान एक से अधिक होता है, को सेफ्टी फैक्टर कहते हैं, इसका मान एक से अधिक होता है, इसका मान एक से अधिक होता है, हो गया। चलिए लिख लीजिएगा, अंतिम भंजक प्रतिबल अपन कार्यकारी प्रतिबल, सेफ्टी फैक्टर बराबर लिख लीजिए, अंतिम भंजक प्रतिबल अपन कार्यकारी प्रतिबल, हो गया भाई। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा इंसुलेटर, इंसुलेटर, हेडिंग डालो भैया इंसुलेटर, विद्युत रोधक, विद्युत रोधक, भैया इंसुलेटर विद्युत रोधक। चलो बताओ भैया विद्युत रोधक क्या होता है, विद्युत रोधक क्या होता है, किसे कहते हैं विद्युत रोधक, यह अब देवा एकरे बदे परिभाषा, यह बच्चन वाला परिभाषा, यह बच्चन वाला परिभाषा देवा, अब वो
चलो भैया, अरे टावर के लिए ये सब परिभाषा नहीं देते हैं, यहाँ इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, वो अब यहाँ परिभाषा नहीं देंगे, यहाँ कुछ और परिभाषा देंगे। ये क्या है आपका, विद्युत रोधक है। ये विद्युत रोधक क्या कर रहा है, आप देख रहे होंगे जो ओवरहेड लाइन आ रही है, ये कौन सी लाइन है आपका, ओवरहेड लाइन आ रही है, ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये ओवरहेड लाइन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए क्या हो रही है आपका, आ रही है। तो इस ओवरहेड लाइन को इस टावर से क्या कर रहा है आपका, अलग करने का कार्य कर रहा है, कौन, विद्युत रोधक। विद्युत रोधक को देखेंगे, ये जो आपका इंसुलेटर है, तो जो ओवरहेड लाइन है, ओवरहेड लाइन को स्तंभ से अलग करने का जो कार्य करता है वही क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। ओवरहेड लाइन को टावर से या स्तंभ से जो अलग करने का कार्य करता है वही क्या कहलाता है आपका, विद्युत रोधक कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। हाँ बस ये ट्रांसमिशन में ऐसा बताएंगे, सबके लिए परिभाषा अलग अलग जगह देते हैं आपका, अलग अलग तरीके से। तो ट्रांसमिट, अरे भाई डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होगा, जो ओवरहेड लाइन आ रही होगी उसको पोल से अलग करेगा, पोल से ना अलग करेगा, तो पोल क्या, पोल तो आधार है ना होगा, तो आधार से अलग करने का कार्य करता है, आधार से विलग करने का कार्य कौन करता है आपका, इंसुलेटर कर रहा है। ये जो आपका आधार है, इस आधार से ये इंसुलेटर क्या कर रहा है, इस ओवरहेड लाइन को, इस ओवरहेड लाइन को अलग कर रहा है। क्या ये टावर से जुड़ा हुआ है लाइन, कहीं से नहीं जुड़ा हुआ, अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो कहीं से भी ये लाइन आपका टावर से नहीं जुड़ी है, दिख रहा है ना, है बोलो भैया, क्या ये टावर से जुड़ा है, नहीं, आपको यहां भी दिख रहा है कि नहीं, इसके बीच में भैया दूरी है, टावरों के बीच में ये दूरी है, साफ साफ दिख रही है, दिख रही है ना कि टावर से अलग है, ये टावर से नहीं जुड़ा है। अब आपको लगेगा कि हो सकता है तो भैया ये टावर के संपर्क में, तो इसे भी देखेंगे इसको, तो क्या भैया, नहीं, ये ओवरहेड लाइन ऐसे आ रही है और बीच में ये क्या है, कंडक्टर, बीच में क्या है, इंसुलेटर, दिख रहा है ना, ओवरहेड लाइन आ रही है और बीच में क्या आपका इंसुलेटर लगा है, जो क्या कर रहा है भैया, टावर से जुड़ने नहीं दे रहा। तो लिखेगा इंसुलेटर में, वह युक्ति इसमें लिखेगा, वह युक्ति जो ओवरहेड लाइन को, वह युक्ति जो ओवरहेड लाइन को आधार से विलग करती है, आधार से वियोजित या अलग रखती है, भैया वही बात है, टावर कह लीजिए चाहे पोल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अरे भैया पोल का हिंदी नाम क्या होता है, स्तंभ या आधार, उसी को ना कहा जाता है खंभा, वही होता है आपका। तो क्या लिखे हैं, हाँ, वियोजित रखती है, उसे इंसुलेटर या विद्युत रोधक कहते हैं, इंसुलेटर पोस्ट में विद्युत रोधक कहते हैं, हो गया, हाँ नहीं भाई, ये जो आपका लटका हुआ वायर होता है, जहां पर आपका ऐसा होगा कि कंडक्टर आपका हिल सकता है, तो वहां पर इंसुलेटर लगा देते हैं बीच में, वहां पर बीच में क्या करते हैं आपका, इंसुलेटर लगा देते हैं आपका। तो ये जो आपका होता है, है ना, ये वाला, यही वाला कह रहे हैं ना कि ये वाला जो है वायर आपका, जब आपका आंधी आएगी तो क्या ये वायर हिल नहीं सकता, तो ये इतना टाइट होता है वायर कि ये हिलेगा ही नहीं अपने पोजीशन से। ये जो होता है आपका, ये वाला वायर जो होता है आपका, अपने पोजीशन से नहीं हिल सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही टाइट रखा जाता है इसको आपका। तो ये इस पार से इस पार तक क्या किया गया, सप्लाई को ले जाने का कार्य कर रहा है बस आपका, और ये इतना मजबूत होता है और इतना टाइट रखा जाता है इसको कि ये अपने पोजीशन से हिल नहीं सकता, क्योंकि इसको दोनों साइड में बांधा गया होता है आपका, इधर भी बांधते हैं, इधर भी बांधते हैं,
अब हिलने के लिए किसी को क्या होना चाहिए, अपने वाले पॉइंट से खुलना तो चाहिए ना। अगर ये आपका लगा है इस वाले पॉइंट से, अगर ये ढीला होगा तब ना ये हिलेगा भैया। लेकिन अगर हमने इस वाले पॉइंट को क्या किया, एकदम टाइट कस दिया, तो क्या ये हिल पाएगा? नहीं हिल पाएगा, वो मुड़ तक नहीं पाएगा ठीक से, हिलेगा कहां से? हाँ, अगर इसके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती आपका तब तो हिल जाता आपका, लेकिन बीच की दूरी तो ज्यादा है नहीं आपका, झोल है नहीं इसके अंदर आपका, ये पूरी तरह से टाइट है आपका, तो ये जो कंडक्टर है ये आपका हिलेगा भी नहीं आपका, ये हिलेगा डूलेगा नहीं ठीक। अगर जहां पर मुड़ान होता है, जहां पर आपका मूर्ति अलाइन, तो वहां पर क्या किया जाता है कि इसके साथ एक और क्या करते हैं, यहां पर एक और इंसुलेटर लगा दिया जाता है, एक और इंसुलेटर को स्थापित कर दिया जाता है, ताकि ये कंडक्टर क्या हो आपका, हिलने ना पाए, वो और मजबूती प्रदान करता है। तो उससे क्या होता है भैया, कास्ट थोड़ी बढ़ जाती है आपका। हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर के प्रकार, इंसुलेटर के प्रकार हेडिंग डाल लीजिए, और इंसुलेटर के ये पूरे प्रकार को लिख लीजिएगा, कल एक एक के बारे में बात करेंगे, ये जितना भी इंसुलेटर है सबको लिख डालिएगा, कल एक एक के बारे में बात करेंगे, किसका यूज कहां करते हैं, किस स्थिति में करते हैं, कैसे लगाया जाता है, कैसा होता है, सब दिखाएंगे ठीक। निकाल लीजिएगा ईडीडी फर्स्ट, ड्राइंग फर्स्ट लिख लीजिए इसको, जितनी देर में लिखेंगे तब तक हम ड्राइंग का मैटर तैयार कर देंगे ना।